हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों यह है न्यू बस अड्डा शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन रेड लाइन। दोस्तों ये तस्वीरें देख सकते हो, ये गाजियाबाद का न्यू बस अड्डा है दोस्तों, और यहीं से स्टार्ट होता है RRTS दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है। दोस्तों यह है गाजियाबाद RRTS का स्टेशन, तस्वीरें देख सकते हो। पिछली बार मैंने अपडेट दिया था आप सभी को, जो कि सारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बनके। आज आपको मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों, यह है गाजियाबाद RRTS का स्टेशन, देख सकते हो तस्वीरें कुछ ऐसा बनाया गया है। और इसके बाद में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा साहिबाबाद RRTS का स्टेशन। देखो किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया। देखो यहाँ पर ये जो इसका फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा उस पर गाटर लॉन्चिंग कर देना स्टार्ट कर दिया है, तस्वीरें देख सकते हो। ये नीचे तो कुछ ऐसा स्टेशन बनाया गया है। तो उधर भी देखो ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, वो सामने देखो वो पियर पाइलिंग का काम किया जा रहा है। इस साइड में ड्रेनेज भी बनाया जा रहा था और इस साइड में भी बनाया जा रहा है दोस्तों, महामाया के बगल में ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और चलते हैं दिखाते हैं चल के आपको साहिबाबाद RRTS का स्टेशन। ये रेड लाइन की लाइन जा रही है ये दोस्तों, और ये है दोस्तों अर्थला मेट्रो स्टेशन रेड लाइन का। आगे दिखाते हैं चल के, और यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन रहता है दोस्तों, क्योंकि इससे जैसे ही हम इस स्टेशन को क्रॉस करेंगे अर्थला के रेड लाइन को, उसके बाद में फिर आप सभी को मोहन नगर देखने के लिए मिलेगा। तो छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है रेड लाइन का दोस्तों। और इसके अपडेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं चैनल पर तो जाकर देख लेना, पड़े हुए हैं दोस्तों। यह है अर्थला मेट्रो स्टेशन रेड लाइन का दोस्तों, देखो। और आप लोगों को यहाँ पर दिख भी जाएगा कुछ ऐसा स्टेशन है दोस्तों, देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अर्थला। और दोस्तों ये आ जाता है मोहन नगर मेट्रो स्टेशन रेड लाइन। देखो यहाँ से ये सीधे दिलसाद गार्डन के लिए भी चला जाता है, और यहाँ से आनंद विहार और यूपी बॉर्डर के लिए भी चले जाते हैं वाहन दोस्तों। तो हमें चलना है आनंद विहार की साइड में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये मोहन नगर का भी दिखाया जाए थोड़ा बहुत। देखो कुछ ऐसा है रेड लाइन का स्टेशन दोस्तों, मोहन नगर। ये मोहन नगर है दोस्तों, देखो सारी जो आनंद विहार तक बसें आती हैं वो यहीं के लिए यहाँ से ट्रांसफ़र होती हैं दोस्तों। इसका मैंने आप लोगों को अपडेट दिया है चैनल पर, पड़ा हुआ है जाकर देख लेना दोस्तों। देखो वो जा रही है रेड लाइन मेट्रो। ये लाइन आ जाती है दोस्तों दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की, जिस पर से अभी रैपिड रेल भाई साहब दौड़ने लगी है, लेकिन अभी मुहूर्त नहीं हुआ है। जब इसका मुहूर्त हो जाएगा तब आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो आगे देखने के लिए मिलेगा आपको साहिबाबाद RRTS का स्टेशन, दिखाते चल के आप लोगों को आगे। Thank you.
ये आ चुका है साहिबाबाद RRTS का स्टेशन जो बन गया बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और देखो रैपिड रेल यहाँ पर खड़ी हुई भी है, देखो वो खड़ी है ऊपर। यहाँ से इसका ट्रायल चल रहा है अभी इस टाइम पर दोस्तों। और आपको जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, 2 उस साइड में हैं और 1 इस साइड में है दोस्तों, ये देखो इस साइड में। इसके भी मैंने काफ़ी सारे अपडेट दिए हैं आप सभी को, तो जाकर देख लेना चैनल पर। देखो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है इसका। आगे देखते हैं जो यहाँ पर ओवरहेड वायरिंग का काम था वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, यानी कि वैशाली मेट्रो स्टेशन तक दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो यहीं तक ये ओवरहेड वायरिंग का काम हुआ है दोस्तों, इस खंभे तक, बाकी इधर कुछ नहीं हुआ है देख सकते हो। यहाँ पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों, और इस पर जो रेलिंग लगाने का काम था वो भी, ट्रैक भी यहाँ पर बिछ गया है, लेकिन अभी ओवरहेड वायरिंग का काम नहीं हुआ है इस साइड में। इधर देखो यहाँ तक तो ये ओवरहेड इक्विपमेंट लग चुके हैं, इधर नहीं लगे हैं, बस इधर बस खंभे ही खंभे लगाए गए हैं अभी तक। इधर अभी ओवरहेड इक्विपमेंट भी लगाए जाएंगे, उसके ऊपर ओवरहेड वायरिंग का भी काम किया जाना है, तो इधर काम नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये अंडरग्राउंड टनल स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये जोड़ने का काम किया जा रहा है इसको, देखो ये सेटिंग लगी हुई है, जोड़ने का काम किया जा रहा है, ये नीचे अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है। देखो पैराफिट वॉल भी बनाए जा रहे हैं जिस पर सरियों का जाल बना दिया, अब इसमें कंक्रीट भरा जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं ये पैराफिट वॉल बनाने का दोस्तों। और यह है वैशाली मेट्रो स्टेशन मेरे लेफ्ट हैंड पे, ये देख सकते हो सारी बॉल भी बन गई हैं। ये साइड में रोकना, ये देखो ये काम चल रहा है जो अंडरग्राउंड टनल है वहां पर जोड़ने का काम किया जा रहा है बायोडक्ट से। देखो वो वहां पर कंक्रीट भरा जा रहा है पैराफिट वॉल में। देखो यहाँ पर भी कुछ पैच रह गया है थोड़ा सा, और देखो ये बना दिया है पूरा। देखो दोस्तों ये है टनल,
जो वैशाली मेट्रो स्टेशन के सामने है। तस्वीरें देख सकते हो, अभी इस पर ट्रैक स्लैब बिछाए जाएंगे, अभी नहीं बिछाए गए हैं। और देखो ट्रैक स्लैब वो वहाँ पर रखे हुए हैं उस जगह पर दोस्तों। देखो यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाती है, ऐसे कर्व ले लेगी ये राइट में और फिर जाकर आनंद विहार निकलेगी दोस्तों। तो ये काम चल रहा है, देखो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस इस पर अब ट्रैक स्लैब बिछाए जाएंगे, उसके बाद में फिर ट्रैक बिछाने का काम किया जाना है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता, तो आप लोग बताना कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते कैसे ही नई वीडियो में आप सभी से, तो इन्जॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।